हेलो दोस्तों, एक बार फिर से नए ब्लॉग में। दोस्तों आज मैं ब्लॉग बना रहा हूँ नाइट में, रात में, और जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ उस जगह पे मोबाइल छीनने वाले आते हैं, इसलिए मैं थोड़ा घबरा भी रहा हूँ। और यहाँ से ये रास्ता आप देख रहे हो, देख लो, यहाँ से कितनी बार कई लोगों का मोबाइल छीना जा चुका है। बाहर में एक कुत्ते भी भौंक रहे हैं, यहाँ पे डिस्टर्ब भौंक रहे हैं हमको। वहाँ पे एक बाहर में झोड़ पट्टी है और वहाँ के कुछ लोग हैं जो चोरी चमारी करते हैं, तो मैं भी डर रहा हूँ। और इस समय बज रहे हैं रात को 11:20, तो यहाँ पे दोस्तों कई बार मोबाइल छीन चुके हैं, और ये मैं रास्ता आपको दिखाना चाहता हूँ। और यहाँ तो अभी लाइट लग गई है, लेकिन लगभग 6-7 साल पहले यहाँ पे कोई दिखता नहीं था, और यहाँ ये लाइट भी नहीं था। अब यहाँ लाइट लग गई है, नहीं तो यहाँ 9 बजे के बाद कोई इस रास्ते पे आदमी नहीं दिखता था। और जो आगे का रास्ता है ये इधर से, ये देखो ये रास्ता है। पहले यहाँ लाइट वगैरह नहीं था, लेकिन अब यहाँ पे लाइट लग चुका है, नहीं तो पहले यहाँ जीना मुश्किल था और लोगों के मोबाइल छीन लेते थे। लेकिन कोई अगर बात करते हुए आता था तो 2 बाइक से आते थे, छीन के लेके भाग जाते, और जिसका जाता था उस जब तक समझ पाता कि कौन लिया, मेरा दोस्त लिया कि कोई अनजान आदमी लिया, तब तक वो बाइक लेके भाग जाते थे, और मिलता भी नहीं था किसी का। तो कंप्लेन भी हुआ बहुत बार, लेकिन क्या करो, जब आप पहचाने नहीं कौन था तो आप क्या कर सकते हो। तो ये तो है दोस्तों यहाँ का माहौल। और मेरे घर से ये मैं आया हूँ लगभग 0.5 किलोमीटर दूर पे, तो इसलिए मैं सोचा चलो आज रात का ब्लॉग आप सबको बना के दिखाएंगे। तो इस गली का, इस रास्ते का दोस्तों, ये है वो रास्ता दोस्तों, ये देखो यहाँ कुत्ते भी रहते हैं। अगर कोई अनजान आदमी आता है तो कुत्ते भूखने लगते हैं। ये देखो 4 हैं, बहुत ही ख़तरनाक है। अभी ये लोग मुझ पे भी भौंक रहे थे, बाद में मुझे सूंघ लिए। जैसे कि मेरा घर जो है कि यहाँ से 0.5 किलोमीटर दूर है, तो सूंघ लिए तो शांत हो गए, नहीं तो मुझे भी भूख रहे थे। अगर मैं भागा होता तो मुझे भी काट लेते। इसलिए मेरा मानना है अगर कुत्ते भूखे तो भागना नहीं चाहिए, आप रुक जाओ, शांत रहो, उनको मारने के लिए मत दौड़ो, बस शांत होकर खड़े रहो, ठीक है। अगर आप भागेंगे तो आपको काट लेंगे। तो ये तो कुत्तों की बात हो गई, और लेकिन कुछ कुत्ते यहाँ पे वैसे भी हैं जो मैं बोला मोबाइल छीनने वाले, तो अभी तो वो नहीं आते हैं, लेकिन कभी कभी लाइट लगने के बाद भी वो लोग आ जाते हैं, और किसी का मोबाइल अगर बात करते हुए जाता है तो छीन के भाग जाते हैं। लेकिन एक बात है, जब से ये लाइट लग गया, ये देखो जब से ये लाइट वगैरह लग गई हैं तब से थोड़ा कम हो गया है, नहीं तो पहले बहुत होता था। और ये रास्ता इधर से, ये देखो कितना सुनसान रास्ता है दोस्तों। एकदम सुनसान रास्ता है। ये माहौल था पहले, और यही दिखाना था आज के ब्लॉग में। और ये इधर देख लो थोड़ा सा, ये कुछ रूम है, लोग रहते हैं। तो आज का ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं फिर कहीं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।